बता देने वाला हूँ कि मतलब स्टंटिंग के लिए बेस्ट साइकिल कौन सी है, क्या है और कम बजट में बढ़िया मतलब स्टंटिंग के लिए आप। मैंने अचानक से देखा कि मतलब OLX पे, तो OLX पे मिल गई अच्छी खासी मतलब बिल्कुल पर कंडीशन। तो और सब गाइस कैसे आप सब लोग, तो आज के दिन मेरे के सुपर ब्लॉगर में आज आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस जैसे कि यार आज हम बात करने आए हैं चीपेस्ट प्राइस में मतलब कम रेट में एक बढ़िया MTB साइकिल मतलब कम रेट में बढ़िया साइकिल बता देने वाला हूँ कि मतलब स्टंटिंग के लिए बेस्ट साइकिल कौन सी है, क्या है और कम बजट में बढ़िया मतलब स्टंटिंग के लिए आप फ्री स्टाइल के लिए बड़े साइकिल बना पाए। ठीक है, सही है, चलने दियो। तो गाइस जैसे कि आप ये फ्रेम देख सकते हो, ठीक है, ये फ्रेम है अपना फायरफॉक्स का, ठीक है, फायरफॉक्स का फ्रेम है, 26 इंच फ्रेम है। तो गाइस ये देख सकते हो आप, और हम हमेशा याद रखना कि आपको 26 इंच फ्रेम चाहिए स्टंटिंग के लिए, ठीक है, और सबसे बेस्ट स्टंटिंग अगर आप सीख रहे हो तो सबसे बेस्ट फ्रेम आपके लिए यही है फायरफॉक्स का, ठीक है। लाइक गाइस आप देख सकते हो पूरी मॉडिफिकेशन कर रहे। तो गाइस जैसे कि मैं बता देता हूँ, अभी इस साइकिल का नाम है बैड एटीट्यूड, ठीक है। आप फायरफॉक्स की कंपनी में जाए, वहाँ पर जाकर देखेंगे आपको बैड एटीट्यूड साइकिल मिल जाएगी, पर लेकिन आपको 26 इंच ही लेना है, याद रखना आप, ठीक है। और बाकी इसमें आती है, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता है, तो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता तो अभी आप अगर बिगनर हो तो बेसिकली पावर ब्रेक यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मैं अभी बिगनर ही हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ मतलब मैं भी। तो आप ये देख सकते हो पावर ब्रेक लगी हुई है इसमें आगे भी पीछे भी, और बाकी इसमें पैग्स लगा रखे आगे पीछे पैग्स है इसमें। तो लाइक गाइस अगर आप MTB मतलब एक MTB बाइक तैयार करना चाहते हैं बढ़िया, ठीक है, और ये गाइस साइकिल ऐसी है कि इसमें आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो और आप इसमें फ्री स्टाइल भी कर सकते हो, स्टंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। और इसमें आप देख सकते हो इसमें मतलब अभी मैंने कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया नहीं है, क्योंकि अभी बेसिक अगर आप स्टंट सीख रहे हैं तो अभी आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद अगर आप अच्छे से सीख जाओ इसमें तो उसके बाद आप, गाइस अगर आप मतलब अच्छे से सीख गए हो, थोड़ा आपको आगे बढ़ना है, आपको और इससे ज़्यादा लाइट वेट फ्रेम चाहिए, तो आप उससे एक डार्टमोर का फ्रेम ले सकते हो, जो कि 32,000 तक का मिल जाता है, 32 या 33 के आसपास मिल जाता है 1,000 का। तो गाइस आप वो परचेज कर सकते हो, वही बढ़िया है, बट लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो ये साइकिल सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो आप इस साइकिल भी मतलब कर सकते हो। तो इसकी तरह जैसे एक साइकिल है वाइपर, ठीक है, एक वाइपर भी होती है, वही फायरफॉक्स की वाइपर, वो भी फायरफॉक्स की होती है, बट लेकिन वो एलुमिनियम होती है आपकी, तो वो क्या है गाइस उसको भी ले लो, बट इससे ज़्यादा लाइट वेट है, बट ये है वो चटक जाता है मतलब वो क्रैक हो जाता है कहीं से भी, मतलब टूट जाता है वो फ्रेम, अगर आप इसमें हैवी मतलब स्टंट करोगे, हाई चेयर व्हीली करोगे, पैक व्हीली करोगे, रोलिंग स्टॉपी मारोगे, तो गिरते टाइम गिरती है साइकिल, प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो टूट जाती है, तो इसलिए बेस्ट फायरफॉक्स का बैड एटीट्यूड बढ़िया है, ठीक है, ओके साइकिल है बिल्कुल। आप इसे मैक्सिस के टायर लगवा सकते हो, या तो अगर आप सीख रहे हो तो इसमें ज़रूरी नहीं आपको मैक्सिस के टायर लगाना है, ठीक है गाइस। मेरा भी यही सीन है, अभी देखो मैंने मैक्सिस के लिए, मैंने मैक्सिस से मिलते जुलते हैं टायर, अभी मैंने इसमें कुछ ज़्यादा वो किया नहीं, क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं, सब सीख रहे हैं अभी, तो यही है गाइस अपना। तो ये अपना हम स्टंट राइडिंग करते हैं तो यार गाइस बहुत चोट लगती है, साइकिल गिरती भी है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इसको, ये नहीं कि आप एक घंटा दो घंटा पूरे दिन भर में प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत है नहीं गाइस। मैं स्टंट राइडिंग के मतलब जैसे मैं अभी हैंडल बार सीख रहा था तो उसमें भी कम से कम मेरे को बहुत टाइम लगा, मैं सुबह रात दिन प्रैक्टिस करता था, तो अब जाकर मैं थोड़ा थोड़ा आया है, मेरे बहुत ढूंढा कहीं नहीं मिला, तो फिर मैंने OLX में मेरे फ्रेंड ने अचानक से देखा कि मतलब OLX पे, तो OLX पे मिल गई अच्छी खासी मतलब बिल्कुल पर कंडीशन, बताऊंगा जिसकी बहुत बेकार थी, खाली ये लोहा लोहा जो फ्रेम है खाली यही उठा के लेकर आया था, वहाँ से उत्तम नगर गए थे, वहाँ पर मेरे को ये 2500 रुपये का फ्रेम मैं लेकर आया था उससे, ठीक है, तो ये फ्रेम जल्दी से मिलता नहीं है कहीं, तो मेरे को मिल गया सेकेंड हैंड कहीं ना कहीं से OLX से, ठीक है, तो सेकंड हैंड कहीं ना कहीं से मेरे को मिल गया OLX से। तो भाई हम गए जाकर, मेरा हाथ भी टूटा हुआ था जैसे कि आपको पता है, तो मैंने परचेज करा बड़ी मुश्किल से और मैं लेकर आया फिर फ्रेम को, तो अभी उसके बाद आपके सामने जो मैंने बनाया। तो इसी तरीके से गाइस मैं आपको भी अपडेट देता रहूँगा, और मेरी साइड में इंस्टाग्राम आईडी होगी, आप जाकर वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर भी मैं चलने दियो क्या, तो आप जाकर वहाँ, आपको साइड में इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी मेरी, ठीक है, उसमें मैं MTB फ्री स्टाइल स्टंटिंग की वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो गाइस। गाइज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो और प्रेस बेल आइकन करो, जिससे मेरी कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, और ऐसी प्यार देते रहो यार, फटाफट 50K सब्सक्राइबर्स करवा दो मेरे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में बताना कोई भी डाउट हो, ठीक है गाइज, व्हीली के ऊपर, स्टॉपी के ऊपर कुछ भी, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो बाय बाय, जय हिंद।